झारखंड के चक्रधरपुर में मंगलवार 30 जुलाई तड़के एक ट्रेन हादसा हो गया। ट्रेन नंबर 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस चक्रधरपुर के पास पटरी से उतर गई। इस हादसे में 6 लोगों की घायल होने की सूचना है। घटना में शामिल लोकोमोटिव का नंबर 370-77 है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ट्रेन हादसे की सूचना मिलने के बाद पूर्व सिंहभूम के सरायकेला के DC के तत्काल घायलों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घायलों तक जरूरत की हर मदद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के साथ इसकी जानकारी मुहैया भी कराई जाए। जानकारी के अनुसार हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस वे की लगभग 18 बोगियां पटरी से उतर गई और इसके बाद वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। रेलवे ने खुद पुष्टि की है कि इस हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें चक्रधर रेलवे अस्पताल ले जाया जा रहा है। हादसे की वजह साफ नहीं है। झारखंड के चक्रधरपुर में हुए इस रेल हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है। फोटो में देखा जा सकता है कि हादसा भयंकर है। इसकी वजह क्या रही अभी यह साफ नहीं हो सका है। एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे के समय बगल वाली पटरी पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। बेपटरी हुई बोगियां उसी मालगाड़ी से जा टकरा गई। मौके पर एयर एम्बुलेंस भी भेजी गई है। घायलों को एयर एम्बुलेंस के जरिए रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राहत की खबर ये रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है और इस हादसे में अब तक कोई जनहानि नहीं हुई है, अभी तक ऐसी खबर है। बाकी रेल हादसे जिस प्रकार से साल दर साल हमारे देश में बढ़ते चले जा रहे हैं, एक ओर तो हमारे रेलवे मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसके जरिए हम लोगों की जान को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हकीकत में ऑन ट्रैक जब बातें होती हैं तो हम लोग ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की जान प्रतिदिन चली जा रही है और उसके बाद सरकार 2 से 8 लाख रुपये 10 लाख रुपये का मुहैया करके उन लोगों की जिनकी जान चली जाती है उनकी मौतें खरीद लेती है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? क्या रेलवे मिनिस्ट्री को और भी बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है और उसमें राज्य सरकारों को भी उनकी अच्छे तरीके से सहायता करने की जरूरत है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।